आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स डिस्कस किया था और आज हम सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है? हमें सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ग्रेविटी जो हर ऑब्जेक्ट पर अपनी कशिश जो है बरकरार रखे हुए है, इसलिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और एनिमल्स के अंदर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट आती है स्केलेटन से। और व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन इज़ ए टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क। स्केलेटन इज़ ए टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क। हमने देखा है कि ह्यूमंस के अंदर हड्डियों का एक ढांचा होता है। ढांचा बेसिकली स्केलेटन क्या है? एक ढांचा है। ये हड्डियों का एक ढांचा होता है। इसका काम क्या है? यह हमें सबसे पहले सपोर्ट फ्राहम करता है, जिसकी वजह से हम खड़े हैं, चल रहे हैं, मूवमेंट है, लोकोमोशन है। दूसरी चीज जो है शेप। शेप क्या चीज है? शेप हम देखें, ह्यूमंस को देखें, आप पहचान जाते हैं। कुत्ते को, बिल्ली को, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं, उनकी शेप कैसे बनी हुई है? उनके स्केलेटन की वजह से। और तीसरी जो चीज है वो है लोकोमोशन। हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हमारे हैंड्स, हमारा जितना भी जो बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वो किस पर, किस तरह से? हमारे अंदर जो बोन्स का एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसके साथ मसल्स जो हैं अटैच हैं, उसकी वजह से हम मूव करते हैं। और हम अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की कितनी टाइप्स हैं? स्केलेटन की 3 टाइप्स हैं, हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। हाइड्रो मीन क्या होता है? वाटर। हाइड्रोस्केलेटन मतलब वाटर बेस्ड स्केलेटन। एक्सो मीन आउटसाइड द बॉडी, ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी हो। जैसा कि इंसेक्ट्स में आर्थ्रोपोड का जो जितना पूरा फाइलम है, इसमें तमाम में ही एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। उसके बाद है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या? इनसाइड द बॉडी। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं हाइड्रोस्केलेटन। अब हाइड्रोस्केलेटन किन एनिमल्स में होता है? हाइड्रोस्केलेटन उन एनिमल्स में होता है जिनमें रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। उनमें एक फ्लूइड फिल कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो क्या करती है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। रेजिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स यानी कि बॉडी की जो शेप है उसको मेंटेन रखने के लिए। और हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं सी एनिमल, जो कि फाइलम नाइडेरिया से ताल्लुक रखते हैं। नाइडेरियंस को नाइडेरियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें नाइडोसिस्ट होते हैं जो कि एक स्टिंगिंग सेल्स हैं जिससे ये अपने शिकार को पैरालाइज कर देते हैं। अब सी एनिमल्स के अंदर एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। यहाँ पर ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें जो वाटर है वो अभी इंजेक्ट नहीं हुआ, इसने वाटर जो है वो अभी नहीं ऑब्जर्व किया है, अभी नहीं इसके अंदर वाटर गया। तो अभी इसकी डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी है। यहाँ से इसका जो यहाँ पे इसका माउथ होता है, उसके साथ कुछ टेंटिकल्स हैं। अब माउथ से ये पानी क्या करता है? अंदर जो है इंजेक्ट होता है इसके, और ये पानी आते ही एक्सटेंड हो जाता है इसके टेंटिकल्स में और इसकी सारी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से इसकी एक शेप बरकरार हो जाती है, अपराइट स्टैचुअल। इस तरह से सी एनिमल्स के अंदर जो है हाइड्रोस्केलेटन इस तरह से किरदार अदा करता है, इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए, इसके टेंटिकल्स को एक्टिव करने के लिए। और इसके अंदर होते हैं सिर्फ सर्कुलर मसल्स। जो सर्कुलर मसल्स इसकी बॉडी के अंदर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब ये जो माउथ इसका बंद हो जाता है आफ्टर वाटर इंजेक्शन, तो जो सर्कुलर मसल्स हैं इन पर एक फोर्स ऐड करते हैं और ये एक पूरी एक मेंटेन शेप बना देता है जिसे हम अपराइट स्टैचुअल बोलते हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्केलेटन को अर्थवर्म के अंदर। अर्थवर्म जो कि फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक रखते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एनिलिड्स। इनके अंदर भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हमने गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोला है।